हेलो बच्चों, पहले हमने प्रत्यय यानी उपसर्ग किए थे फर्स्ट नंबर के अंदर। आज सेकंड नंबर के अंदर हम प्रत्यय करेंगे। तो उपसर्ग में आपने अच्छी तरह से बच्चों अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और कुछ बच्चों की नोटबुक भी आई थी, अच्छे तरीके से कर रखा था। आज हम प्रत्यय शुरू कर रहे हैं। तो प्रत्यय बच्चों यानी कि बिल्कुल उपसर्ग का उल्टा, यानी उपसर्ग जैसे किसी भी शब्द के आगे ऐसे शब्दांश लगकर उसके अर्थ में आंशिक परिवर्तन कर देता है, और प्रत्यय बिल्कुल उसके उल्टे परिभाषा के रूप में देखा जाए तो देखिए आप, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी ऐसे शब्दांश, इसमें भी शब्दांश पाए जाते हैं बच्चों, इसमें भी शब्द नहीं बोलेंगे, यानी एक शब्द के पीछे दूसरा शब्द ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक शब्द के पीछे अगर कोई दूसरा शब्द लग जाता है शब्द, तो वो बच्चों समास के रूप में यानी एक समासिक पद बन जाता है। लेकिन यहाँ हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, उपसर्ग की बात कर रहे हैं शब्द निर्माण में। तो यहाँ पर परिभाषा देखेंगे तो हम शब्दांश मानेंगे उसके, यानी कि जो शब्द किसी शब्द के बाद यानी शब्दांश लगते हैं, यहाँ पर जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में बात की जाए तो जैसे महान प्लस ता महानता, तो इस तरह से यानी ता लगाकर भाववाचक संज्ञा भी बनाई जाती है बच्चों, और यहाँ पर हम प्रत्यय के रूप में कर रहे हैं। तो महान प्लस ता महानता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है, और इस प्रकार से प्रत्यय मुख्य दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे पहले जो धातु रूप, तो ये धातु रूप बच्चों संस्कृत का शब्द है, धातु यानी क्रिया का रूप, यानी जो क्रियाएँ होती है उन क्रियाओं के अंत में लगकर जो शब्दांश ऐसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम यहाँ पर प्रत्यय मानेंगे। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे महान प्लस ता, तो महान है ये एक शब्द है, और ता एक शब्दांश है, यानी ता का कोई अर्थ नहीं रहता, यहाँ एक शब्दांश मात्र है ये, और ये लग जाने से महानता शब्द बना जो एक प्रत्यय है। तो इस प्रकार से प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय, तो बच्चों यहाँ पर कृत प्रत्यय वे मतलब प्रत्यय कहलाते हैं जो मूल रूप से धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। मतलब कृत प्रत्यय मतलब हुआ क्रियाओं के साथ लगकर, यानी धातु रूप यानी क्रिया रूप मानेंगे यहाँ पर। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल यानी जो मूल जो रूप होता है क्रिया का उसे धातु रूप कहते हैं, संस्कृत का शब्द है ये। तो धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं। तो संज्ञा और विशेषण जानते हैं बच्चों, संज्ञा यानी ऐसे कोई भी शब्द जिसकी पहचान होती है, जैसे व्यक्ति वस्तु जगह या और अन्य किसी भी प्रकार के, अगर किसी के नाम के द्वारा उसकी पहचान होती है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और उन संज्ञा और जो सर्वनाम होते हैं उनकी जो विशेषता प्रकट करते हैं ऐसे शब्द, उनको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो धातु रूप है यानी कि क्रिया रूप है, उस क्रिया के साथ ऐसे शब्दांश लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, समझ गए होंगे आप। तो जैसे पढ़ाई, तो यहाँ पढ़ प्लस आई, तो अगर पढ़ की बात की जाए तो ये एक मतलब धातु रूप है, पढ़ना यानी पठ धातु से बना ये, पठ मिस पढ़ना, और पढ़ के साथ जब आई सब मान ये जो शब्दांश लगा है तो इससे बन गया पढ़ाई। तो आप समझ आ गया होगा इसमें आई प्रत्यय लगा है, और पढ़ है वो एक मूल शब्द यानी एक मूल धातु रूप में है, पठ की बात की जाए पठ को पढ़ में लिखा जाता है, और उसके साथ में आई लगा देने से पढ़ाई शब्द बना। तो इस तरह से ये एक प्रत्यय शब्द है। तो इस तरह से कुछ और अन्य इसमें ऐसे उदाहरण है जिन्हें बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जो एक यानी कि नॉर्मल से शब्द हैं, इनको आप लिखते हुए अच्छी तरह से मेहनत करते हुए यानी एक पेज या दो पेज के अंदर आने वाला कार्य है, तो आसानी से आप इनको लिख लेंगे और आसानी से इनको याद भी आप कर लेंगे बच्चों। तो ये जितने शब्द हैं ये आपको लिखते हुए आगे से आगे आप इनकी अच्छी तरह से आप मेहनत करते हुए इनको लिखेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ में। तो यहाँ जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं इनको रखते हुए आप लर्न भी करेंगे और लिखेंगे भी साथ में। तो देखते हैं हम
शब्द, धातु रूप और प्रत्यय। तो धातु रूप यानी क्रिया रूप, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो धातु रूप प्लस प्रत्यय के रूप में यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ इसको देखिए आप, जैसे होनहार, तो होनहार का जो मूल धातु रूप है वो क्या है, हो। तो यहाँ पर अगर प्रत्यय की बात की जाए तो यानी कि ना जो एक शब्द रहता है उसके साथ में हार जो प्रत्यय शब्दांश लग रहा है, यह हार है और शब्दांश को यानी होन, हो प्लस ना प्लस हार, तो इस प्रकार से ये बना है, तो होनहार। और सजावट में सज मूल धातु रूप रहता है संस्कृत जो शब्द मानते हैं हम, प्लस आवट तो सजावट, अपठ प्लस अन्य पठनीय यानी पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य के रूप में कह सकते हैं, पढ़ने योग्य है या पढ़ना चाहिए। तो ये पठ उसी पठ धातु, ये जो अपने पढ़ के बारे में बात कर रहे थे, पढ़ाई जो शब्द था उसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये बच्चों वही धातु जो मूल धातु रूप है वो वही शब्द है ये, और अन्य प्रत्यय इसके अंदर लगा तो पठनीय बन गया। तो ये जो पठनीय शब्द है ये भी संस्कृत का जो धातु रूप मूल धातु रूप है ये उसी का शब्द दिया हुआ है। फिर आगे गवैया, गा प्लस वैया गवैया बना, रटू रट प्लस ऊ रटू बना, लेनदार से ले प्लस न प्लस दार तो लेनदार, पढ़ने वाला तो पढ़ प्लस ने प्लस वाला तो पढ़ने वाला, यानी जो पढ़ता है या जो पढ़ रहा है वो पढ़ने वाला कहलाएगा। पठ प्लस कै, तो ये स्वर विस्तार हुआ है यहाँ पर, पठ प्लस कै तो यहाँ पर बना पाठक, यानी पठ प्लस पठ कोई शब्द पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला क्या कहलाएगा बच्चों, पाठक। तो इस तरह से यहाँ पर स्वर का विस्तार हुआ है यहाँ पर, तो पाठक बना पठ प्लस। तो यहाँ पर बच्चों अगर स्वर विस्तार करते हैं तो जिस तरह से जो दीर्घ स्वर बनता है तो ये उसी प्रकार से बनता है, यानी कै प्लस कै और का के रूप में होता है, कै प्लस का हो जाएगा, या का प्लस कै भी हो तो भी का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से स्वर का विस्तार होता हुआ यहाँ पाठक के रूप में बन जाएगा, तो पठ प्लस कै पाठक। तो इस तरह से हम अगर युक्त करेंगे तो इस तरह से बनेगा। त्यागी, तो त्याग प्लस ई, त्यागी यानी त्याग करने वाला, उलक्कड़ भूल प्लस अक्कड़ तो भुलक्कड़ यानी भूलने वाला, चलाऊ चल प्लस आऊ चलाने वाला या काम चलाने वाला, इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जितने ये शब्द हैं इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की इन शब्दों के अंदर कोई भी समस्या आए तो आप मैसेज या कॉल के द्वारा बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो ये जितने शब्द हैं इनको आप बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर करते हुए और अच्छी तरह से याद करेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नया आए इसके अंदर तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे। तो इस तरह से ये गिने चुने शब्द हैं और कुछ आगे हिंदी के, यानी कि ये बच्चों इसके अंदर जितने भी ये शब्द अपने पास थे, ये शब्द जो अपने में अभी अध्ययन कर रहे थे हम, तो ये सारे एकीकृत प्रत्यय यानी मूल धातु रूप के साथ लगकर बन रहे हुए थे। और आगे हम जितने भी ये आगे शब्द कर रहे हैं तो हिंदी के कृत प्रत्यय के रूप में होते हैं। तो यहाँ हिंदी के अंदर ये प्रचलित जो कृत प्रत्यय है ये मतलब कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। हम इनको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं बच्चों। जैसे प्रत्यय की बात की जाए तो जैसे अंत प्रत्यय लग के बना, तो जैसे रट प्लस अंत तो टंत बन जाएगा, यानी कि एक संधि युक्त होता जाएगा, संधि के रूप में करते जाएंगे। अब अक्कड़ है तो ये घूम, तो घूम एक जैसे, तो जितने भी हिंदी के शब्द हैं सारे, यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी आगे ये आने वाले जो शब्द के साथ में जो हम ये शब्दांश लगा रहे हैं, जिस तरह ये प्रत्यय शब्दांश हैं, जैसे अक्कड़ है, अन्न है, आ है, आई है, आऊ है, आख है, आका है, तो ये सारे के सारे शब्द बच्चों क्या कहलाएंगे, शब्दांश कहलाएंगे। और जो ये रट है, घूम, डग, भूल, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे, हिंदी के जो प्रचलित शब्द हैं, यानी कि इनको हम लगभग हिंदी के अंदर पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो इनकी बात हो रही है। तो यानी कि जितने भी हिंदी के ये जो प्रचलित शब्द हैं इनके साथ ये शब्दांश लगकर प्रत्येक रूप में, और ये ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे रटंत, इसी प्रकार गढ़ प्लस अंत गडंत बन जाएगा, तो रटंत मतलब रटने वाला या रटने की क्रिया, गडंत मतलब गढ़ने वाला या गढ़ने की क्रिया कह सकते हैं, घुमक्कड़ घूमने वाला,
यात्रा करने वाला कह सकते हैं। इसी प्रकार पियक्कड़ पीने वाला, रुअक्कड़ रोने वाला, बुलक्कड़ बोलने वाला, तो इस तरह से इनका हम प्रयोग करते जाते हैं। अन प्लस तो अन लगाए अगर मान लो ढक के साथ तो ढक्कन बन जाता है। और इसी प्रकार आगे मन, तो जैसे मन होता है या चिंतन होता है, ये सारे बच्चों जितने भी हैं ये इनमें, अब अगर हम बात करें मनन की तो मन प्लस अन आ रहा है, तो सोचेंगे भी मनन इसमें क्यों जा रहा है, तो मन प्लस यानी ये मन शब्द होता है बच्चों। जिस तरह से ढक प्लस अन ढक्कन बना, तो ये एक मान लो ढक्कन, ये इस प्रकार का मान लो एक व्यंजन युक्त शब्द होता है, तो व्यंजन युक्त को साथ में लेने से तो ये व्यंजन के साथ अन लगता हुआ यानी स्वर के युक्त होने से ये ढक्कन बन जाता है। उसी प्रकार से मन प्लस अन मनन, चिंता प्लस अन चिंतन, या मरण जी की स्थिति होती है तो मर प्लस अन मरण, झाड़ प्लस अन तो झाड़न यानी झाड़ने की जो क्रिया होती है तो हम उसे कहते हैं ना झाड़, झाड़ फूँक करना या झाड़ना या झाड़ करना, तो झाड़ना मतलब, तो यहाँ अन लग जाने से झाड़ने बन जाता है, तो यानी झाड़ने की जो क्रिया होती है उसके रूप में बन जाएगा ये। तो इसी प्रकार आ लग जाने से भूल प्लस मतलब आ तो भूला, इसी प्रकार जैसे भटक तो भटका बन जाएगा, देख तो देखा बन जाएगा, यानी आ की मात्रा लगती जाएगी सब के अंदर। तो सोच सोचा, समझ समझा, लिख लिखा, पढ़ पढ़ा, इस तरह से ये बनते जाएंगे बच्चों। और आप इन ये जो गिने चुने शब्द हैं इनको हिंदी के अंदर हम हर जगह पढ़ते ही पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे अध्याय होते हैं जिनमें इन सबको हमारी यानी कि जो काव्य में हो या जो अपने गद्य खंड हो उसके अंदर हमें ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते ही मिलते हैं, देखते ही देखते हैं। तो ये सारे इस प्रकार से जो हिंदी के कृत प्रत्यय है इसके तहत बने हुए होते हैं। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, तो इस तरह से आप करते हुए इनको करते जाएंगे। तो जिस तरह नौ तक यहाँ पर करने के बाद और जो दस से आगे जितने भी मान लो इसके अंदर ये आपको जो प्रत्यय दे रखे हैं इनको आप जो टिक मार्क किए हुए हैं इन टिक मार्क शब्दों को ही करना है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर लगभग 37 हैं, तो ये गिने चुने 15-20 ऐसे शब्दों को लेकर ही अपने मुख्य मुख्य इनको रखा है। तो इनको आप आगे से आगे करते जाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर और साथ साथ में इनको लर्न भी करते जाएंगे। और बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये आप थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जो कृत प्रत्यय के रूप में हिंदी के भी जो प्रत्यय है, संस्कृत के भी इसमें होते हैं कृत प्रत्यय के अंदर, यानी जो कृत प्रत्यय है ऐसे क्रिया युक्त जो मतलब प्रत्यय है, क्रियाओं रूप जो शब्द होते हैं उनके साथ लगकर जो संज्ञा और विशेषणों के रूप में बन जाते हैं और उनकी मतलब इस तरह से शब्दों के रूप में अर्थ परिवर्तन कर मतलब हो जाता है इनका। क्योंकि तो जैसे हमारी परिभाषा भी यही होती है कि ऐसे मतलब शब्द ऐसे धातु रूप या क्रियाओं के साथ लगकर शब्दांश संज्ञा और विशेषण के रूप में कार्य करते हैं या अर्थ प्रकट करने लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय के रूप में कहते हैं। तो कृत प्रत्यय मान लो संस्कृत और हिंदी दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो हम हिंदी के अंदर ये पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आगे कुछ शब्द हैं वो संस्कृत के रूप में भी हैं, तो ये गिने चुने 10 शब्द, तो इनको भी आप अपने नोटबुक में बच्चों करते जाएंगे। तो इन शब्दों के अंदर संस्कृत और कृत प्रत्यय की बात की जाए तो जैसे अन लग गया तो गम प्लस अन गमन बन जाएगा, भव प्लस अन भवन, जल प्लस अन जलन, चल प्लस अन चलन, या तो ये श्रव श्रव शब्द से बनता है, जैसे शुरू शब्द होता है ये शुरू में से सुनना, तो यहाँ से शुरू शब्द से बनकर श्रवण बन जाएगा। और क्रि प्लस अन लगा देने से कर्ण बन जाएगा। और आगे अना इस प्रकार से है तो भाव प्लस अन भावना, वंद प्लस अन वंदना, प्रार्थ प्लस अना प्रार्थना, काम प्लस अना कामना, इस प्रकार से ये ऐसे शब्द बनते जाएंगे। तो ये बच्चों से लेकर 10 ऐसे शब्द हैं जिनको आप आगे से आगे करते जाएंगे। अगर इन इन शब्दों के अंदर भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो भी आप अपने मैसेज के द्वारा या फोन के द्वारा पूछेंगे बच्चों, या ऑफलाइन जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम इसको रिवाइज या रिविज़न करेंगे। तो आप अंडरलाइन करते हुए ऐसे शब्दों को आप मान लो लेकर आएंगे, अपना अंडरलाइन करके रखेंगे, ऑफलाइन क्लास के अंदर भी पूछेंगे या रिवाइज करेंगे हम इन्हें, तो उस समय आप याद रखना। और बाकी आप कॉल या मैसेज के द्वारा भी जान सकते हैं बच्चों। तो
तो आगे हम जैसे भी आपकी नोटबुक आएगी तो इसमें आपके जो कृत मान लो जो प्रत्यय है ये कंप्लीट होने चाहिए बच्चों। और नेक्स्ट कल कर्मानुसार आगे हम करते हुए आगे और भी प्रत्यय करेंगे। तो ये कृत प्रत्यय था। वैसे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कल हम तद्धित प्रत्यय के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो कृत प्रत्यय बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्रिया रूपी ऐसे शब्द जो ऐसे धातु रूप या ऐसे क्रिया रूप के साथ लगकर जो शब्दांश उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जो संज्ञा और विशेषण के रूप में बना देता है। तो इस प्रकार के ऐसे ये जितने शब्द थे इनके बारे में मैंने अध्ययन किया, तो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समझ में नहीं आए हों आप कॉल या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं और उनको अंडरलाइन करके रखना। जैसे भी ऑफलाइन स्कूल बच्चों थोड़े दिनों के अंदर खुलने वाले हैं, तो हम ऑफलाइन अध्ययन के अंदर इनका गहराई से अध्ययन करेंगे। जय हिंद।